السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں آپ کا خواجہ معین الدین. آج ہم لوگ نہاری پایا بنا رہے ہیں. جی ہاں, پایا ایک اسپیشل ریسیپی ہوتا ہے سبھی کے لیے, چاہے بچے ہو یا بڑے ہو, سبھی کے لیے بہت اچھا ہے اور بونس کے لیے بہت ہیلدیسٹ ریسیپی ہے. اس لیے آج ہم لوگ حیدرآبادی اسپیشل نہاری پایا بنا رہے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں آسانی سے ہم لوگ کیسے بناتے ہیں. ہم لوگ آج پایا نہاری بنانے کے لیے پہلے پایا ڈالیں گے اس میں. اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے آنینس. پیاز کے بعد منٹ لیوز ایڈ کر دیجیے. اس کے بعد ہم لوگ ایڈ کریں گے کوریانڈر. اس میں ہی ہم لوگ ڈالیں گے سالٹ. سالٹ کے بعد ہم لوگ ایڈ کریں گے ٹرمرک پاؤڈر. ٹرمرک ڈالے بعد گرم مسالہ ایڈ کر دیجیے. جنجر گارلک پیسٹ. اب اس پایا کو ہم لوگ 2 گھنٹے تک کم آنچ پہ پکائیں گے. فرائڈ آنینس کمپلیٹ ہوتے ہی ہم لوگ, ابھی تو پایا بوائل ہو رہا ہے, اس کے لیے جو مسالہ ضرورت ہے ہم لوگ وہ بنا رہے ہیں. پوٹلی مسالہ پیکٹس ڈالیں گے. اب ان پوٹلی مسالے میں ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے. اب ان سارے مسالوں کو ہم لوگ 15 منٹ تک
बॉईल होने देंगे, उसके बाद इसको फिल्टर करके हम लोग पाया में ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह बॉईल होने के लिए हम लोग 15 मिनट तक छोड़ देंगे। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। जो हम लोगों ने पोटली मसाला जो बॉईल करे थे 10 मिनट तक, वो अच्छी तरह बॉईल हो गया है। इसको निकाल के हम लोग बाजू रख देंगे। दो घंटों से पाया अच्छी तरह बॉईल हो गया है। अब इसमें हम लोग पोटली मसाला जो प्रिपेयर करके रखे थे उसको फिल्टर करके डालेंगे। पोटली मसाला इसमें ऐड करते ही हम लोग कोरिएंडर ऐड करेंगे। कोरिएंडर के साथ मिंट लीव्स भी ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली एज इट इज डालना है, उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे नहारी मसाला। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करे बाद हम लोग और 15 मिनट्स को इसको बॉईल होने के लिए छोड़ेंगे। जब तक ये बॉईल हो जाएगा जो ग्रेवी को हम लोग गाढ़ा बनाने के लिए जो आइटम इसमें ऐड करते हैं वो बना लेंगे। ऑयल गर्म होते हैं उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा पकते ही इसमें आप लोग वीट फ्लोर डाल दीजिए। वीट फ्लोर में अच्छी तरह ब्राउन कलर आते ही हम लोग इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर और वीट फ्लोर को मिला के हम लोग जो पेस्ट बनाए थे वो इस नहारी में डाल दीजिए। अब इसको हम लोग 15 मिनट तक पकने देंगे। ये बन गया हम लोग का नहारी पाया। और जब भी हम लोग खाते वक्त इस पर गार्निश करेंगे फ्राइड अनियन से। चलिए माशाल्लाह नहारी पाया हो गया है। गार्निश के लिए इस पर फ्राइड अनियन से ऐड कर देंगे। Thank you.
माशाल्लाह आज का रेसिपी तो बहुत बढ़िया बना। हमारे जो शूटिंग लोकेशन के आसपास में एक गरीब बस्ती है जो रोजी रोटी बहुत मेहनत करके कमाते हैं, हर रोज मेहनत करके जीते हैं। इन गरीब लोगों के लिए आज हम लोग स्पेशली हैदराबादी स्टाइल में नहारी शेरवा बनाए थे जी, पाया स्पेशल। उन लोग बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खुशी से खा रहे थे, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी गरीब बच्चों तक कुछ ना कुछ पहुँचाना चाहे तो हमारे मेल आई डी पर कॉन्टेक्ट करिए, 786 godfoods@gmail.com पर मेल करिए। अल्लाह हाफिज़।